जो छठी कक्षा में संस्कृत की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पहला अध्याय पुरा पुरा प्रगत सरे लेकर अपना अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। आप सब ध्यान पूर्वक सुने। पहले हम इसका गायन करेंगे, इसके बाद इसका अभ्यास करेंगे। आप भी इसका गायन सीख सकते हैं। पुरा पुरा प्रगच्छरे प्रगाए मातृवंदनम स्वजन्म भूमि रक्षणे प्रयच्छ वीर जीवनम। पुरा पुरा प्रगच्छरे प्रगाए मातृवंदनम स्वजन्म भूमि रक्षणे प्रयच्छ वीर जीवनम। शिरः कुरु समुन्नतम तवास्तु मा क्वचिद् भयम्। पुरः पुरः प्रगच्छरे प्रगाए मातृवंदनम् रणे धृति सुकौशलम् प्रवर्धताम् मनोबलम्। रणे धृति सुकौशलम् प्रवर्धताम् मनोबलम् सुनिश्चितः जयस्तव कुरुष्व धर्म पालनम्। पुरः पुरः प्रगच्छरे प्रगाए मातृवंदनम्। पुरः पुरः प्रगच्छरे, हे वीर आगे चलो, आगे चलो। मातृभूमि की वंदना करते हुए आगे चलो। स्वजम जन्म भूमि रक्षणे, अपनी जन्म भूमि की रक्षा में। हे वीर प्रयच्छ वीर जीवनम्, हे वीर जीवन दान दो। अपनी जन्म भूमि की रक्षा में हे वीर जीवन दान दो। शिराः कुरु समुन्नतम, अपने सिर को ऊंचा करो। तवास्तु मा क्वचिद् भयम्, तुम्हें कोई भय न हो। क्वचिद् कोई भय, भय डर मां न अस्तु मैंने हो। पुरा पुरा प्रगच्छरे प्रगाय मातृवंदनम्, हे वीर मातृभूमि की वंदना करते हुए आगे चलो। रणे धृति सुकौशलम, हे वीर रणे रण में युद्ध भूमि में धृति धैर्य और धारण करो। सुकौशलम मैंने अच्छी कुशलता को, युद्ध भूमि में धैर्य और अच्छी कुशलता को धारण करो। प्रवर्धता मनोबलम, अपने मनोबल को बढ़ाओ। सुनिश्चिता जयस्तव, तुम्हारी निश्चय ही जय होगी। कुरु स्वधर्म पालनम, अपने धर्म का पालन करो। पुरा पुरा प्रगच्छरे, हे वीर आगे चलो, आगे चलो। प्रगाय मातृवंदनम, मातृभूमि की वंदना गाते हुए आगे चलो। अब प्रथम पद्य है, उसका अभ्यास देखेंगे। पुरा पुरा प्रगच्छरे प्रगाय मातृवंदनम स्वजन्म भूमि रक्षणे प्रयच्छ वीर जीवनम, इन लाइनों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से पेपर में पूछे जाते हैं, उसके अभ्यास का एक नमूना। एक पद में उत्तर दें, यानी एक शब्द में उत्तर लिखें। जैसे कुत्र गच्छरे, तो उत्तर होता है पुरा पुरा प्रगच्छरे, यानी पुरा पुरा। दूसरा प्रश्न है स्वजन्म भूमि रक्षणे किम यच्छ, अपनी जन्म भूमि की रक्षा में क्या दो, तो उत्तर होगा जीवनम। तीसरा प्रश्न होगा एक वाक्य में उत्तर लिखिए, किम समुन्नतम कुरु, इसमें से खोज करके आप देखें कि क्या ऊंचा करें। दूसरा त्व क्वचित किम न अस्तु, तुम्हें कहीं पर क्या नहीं होना चाहिए, इस पद्य में से ढूंढ करके इसका उत्तर लिखेंगे। और तीसरा प्रश्न है निर्देश के अनुसार उत्तर दें, तो ना के अर्थ में इस पद्य में कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है, ढूंढ करके लिखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे आगे चलो, इस अर्थ में पंक्ति में कौन सी लाइन दी गई है, ये प्रश्न आपने कॉपी में लिखने हैं। दूसरे अभ्यास में आप देखें, रणे धृति सुकौशलम प्रवर्धता मनोबलम सुनिश्चिता जयस्तव कुरु स्वधर्म पालनम पुरा पुरा प्रगच्छरे। तो पहला प्रश्न है कुत्र सुकौशलम धृति च, कहां पर सुकौशल और धैर्य धारण करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है तव किम सुनिश्चिता अस्ति, तुम्हारा क्या सुनिश्चित है। तीसरा प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दे, हे वीर त्वम किम पालनम कुरु, तुम किस चीज का पालन करोगे। तीसरा प्रश्न है, हे वीर त्वम किम प्रवर्धताम, तुम क्या बढ़ाओ। रिक्त स्थान पूर्ति करेंगे, जैसे पहले है रणे डैश सुकौशलम, रिक्त स्थान में ऊपर से ढूंढ करके पद्य के अंदर से यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। और दूसरा है पुरा पुरा प्रगच्छरे डैश मातृवंदनम, तो ऊपर की पंक्तियों में से ये खाली स्थान भरेंगे। इस प्रकार हमने कुछ अभ्यास बनाया जो पेपर के अनुकूल है। इसके पश्चात आपको इस
जो कविता है इसको याद करना है, इस कविता के हिंदी लिखेंगे, इसके अंदर जो शब्दार्थ है, कठिन शब्दार्थ, वो आप याद करेंगे। धन्यवाद।